ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर जहां प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है, वहीं लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है और जगह जगह पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। पुलिस प्रशासन को लगातार सख्ती बरतनी पड़ रही है और लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि वह कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। इसके बावजूद भी कई स्थानों पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। सर, कोविड कर्फ्यू लगा है, 10 बजे के बाद भी लोग घूम रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो कोविड कर्फ्यू को लेकर जो शासन नए गाइडलाइन आए हैं शासन की तरफ से, उनका यहाँ पालन कराया जा रहा है। और जो भी लोग घूमे हैं वो लोग हैं जो आवश्यक सेवाओं वाले हैं। अनावश्यक यदि कोई घूमता पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है, उसका नाम पता नोट करके उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। लंडौर क्षेत्र में काफ़ी जाम लग रहा है, प्राइवेट गाड़ियाँ घूम रही हैं, जाम भी लग रहा है। वहाँ पर सब्जी की दुकानें हैं, उनमें कोविड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, इसके में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, ये प्रत्येक गाड़ी वाहन की चेकिंग हुई है, यदि वह आवश्यक सेवा वाला वाहन है तो उसको छोड़ा जा रहा है और नहीं है तो वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो दुकानें हैं उनके आगे, क्योंकि सभी दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये मार्क किए गए हैं गोलों से, और ये इंश्योर कराया जा रहा है कि प्रत्येक दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। यदि कहीं नहीं रह रही है तो उसके खिलाफ थाने में मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।